बॉलीवुड में आपको ऐसे एक्टर्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो अपने ह्यूमर नेचर और दरियादिली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शायद ही मिथुन चक्रवर्ती सा दिल किसी भी कलाकार के पास हो। भले ही कोई भी किसी की कितनी भी मदद कर ले, कोई किसी का कितना भी अपना हो जाए, लेकिन मिथुन दा जैसा शायद दरियादिली और अच्छा इंसान इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां आपको इंडस्ट्री में न जाने कितने लोग चैरिटी चलाने वाले मिल जाएंगे जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इन सभी के साथ लोगों के पास दिल होना भी बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर बात की जाए सलमान खान की, तो आज हम आपको एक ऐसा वाक्या बताने जा रहे हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मिथुन चक्रवर्ती ही एक ऐसे कलाकार हैं जो बेहद दरियादिल और नेक इंसान हैं। और सलमान खान ने तो ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ नाम के सुपरस्टार हैं। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में पूरे वाक्य को। दरअसल ये बात तब की है जब एक नन्ही सी अपंग बच्ची अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, जो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, लेकिन उसे सलमान से किसी मदद की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस बच्ची के सपने काफी बड़े थे और वो चाहती थी कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश सलमान खान और मिथुन दास से मिलकर पूरी करे, और ये बात उन्होंने अपने मास्टर यानी कि सरोज खान से कही, और सरोज खान ने उस बच्ची को वादा किया कि वो उनकी मदद जरूर करेंगी। बावजूद इसके वो अच्छे से जानती थी कि इन कलाकारों तक ये संदेश पहुंचाना काफी मुश्किल होगा। जहां जब ये बात उन्होंने मिथुन दा को बताई, तो मिथुन दा ने उस बच्ची को तुरंत ही फोन किया और उनसे ये कहा कि जब वो मुंबई आएंगे तो उनसे भी जरूर मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जब सरोज खान ने सलमान खान को कॉल किया, तो सलमान खान का कॉल उनके असिस्टेंट रवि ने उठाया, जो कि पहले सरोज खान के असिस्टेंट रहा करते थे। और ये बात तो हर कोई जानता है कि मिथुन दा अपने फैंस के लिए कितने डाउन टू अर्थ हैं। वो हमेशा से ही अपने फैंस के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। और लेकिन जब सलमान के असिस्टेंट ने फोन उठाया और सरोज खान जी ने उनसे कहा कि वो सलमान खान से बात करना चाहती हैं, वो भी अर्जेंटली, तो सलमान खान ने बात करने से ही इनकार कर दिया, जिस पर सलमान खान के इस बिहेव से सरोज खान काफी निराश हो गई। और ऐसे में वो उस बच्ची की मदद तो नहीं कर पाई, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये सभी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मिथुन दा को कॉल करने पर उन्होंने इस बच्ची से तुरंत बात की, लेकिन जब उन्होंने सलमान को फोन किया तो सलमान ने साफ तौर पर उस बच्ची से बात करने से मना कर दिया। ऐसे में उस नन्ही सी जान की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इस दौरान ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि सलमान खान भले ही कितना भी दिखावा करें, चैरिटी चला लें, लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं कर सकते। जहां इंडस्ट्री में सुपरस्टार तो बहुत होते हैं, लेकिन दिल से अगर कोई स्टार है तो वो असली मायने में हीरो कहलाता है, और इस बात को मिथुन दा ने पूरी तरह से साबित भी किया। वेल, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक्य के बारे में कि सलमान खान को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।